अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ग्रेड 9। हियर इज योर कंप्यूटर टीचर इंजीनियर शाहिदा बेनजीर शेख। टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, सम टॉपिक्स वी विल कवर टुडे, बट मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन अदर पार्ट्स एज वी विल गो ऑन। हियर इज अवर फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच एवरीवन नोज from the class 1 is a computer is an electronic machine, but here we will describe some more that a computer is an electronic data processing machine or device. वो machine या वो device जो performs processes, calculations and operations बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम, के कोई भी प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस दे उसको प्रोसेस करे, कैलकुलेट करे और अलाउज द यूजर टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट बाय एडिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, ब्लॉक कोड्स एंड अदर मीडिया। ठीक है, तो इस हमने डेफिनेशन को थोड़ा सा मोर कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि कंप्यूटर में एडवांसमेंट्स क्या हुई हैं और उसकी वजह से रिजल्ट्स क्या आए हैं। द एडवांसमेंट इन कंप्यूटर कॉस्ट एडवांसमेंट इन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या हुआ, नॉलेज में एडवांसमेंट हुई, कुछ एडवांसेस साइंस में हुई, कुछ टेक्नोलॉजी में। और कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं आजकल हर फील्ड में, जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च, एक्सप्लोरेशंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। और भी काफ़ी फील्ड्स हैं, लेकिन कुछ हमने यहाँ पे जिक्र किया है। नेक्स्ट, अवर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज कंप्यूटर की पिक्चर क्या है, वी सी मॉडर्न शेप ऑफ कंप्यूटर्स, और पहले क्या था, और ये जो शेप आया है अभी तो वो डे बाय डे प्रोग्रेस से आया है। और इस प्रोग्रेस को हमने क्या किया है कि थ्री एराज में डिवाइड किया है। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स इज डिवाइडेड इन थ्री एराज। कौन कौन से, मैकेनिकल एरा जिसको हम डार्क एज कहते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मिडिल एज एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक एरा, मॉडर्न एज। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल एरा जिसको हम डार्क एज भी कहते हैं। इन मैकेनिकल एरा ह्यूमन बिकेम सक्सेसफुल टू मेक सिंपल मशीन्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, सिंपल मशीन्स बनाने में कामयाब हुए, और वो सिंपल मशीन्स क्या काम करने में हेल्प करती थी हमें, परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इन अदर वर्ड्स कंप्यूटिंग, जो कि हम आजकल कैलकुलेटर और कंप्यूटर पे करते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मैकेनिकल एरा में। दीज मशीन्स वर मैन्युअली ऑपरेटेड सिंस द इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इन्वेंटेड। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए हम उसको मैन्युअली ही ऑपरेट करते थे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मशीन्स ऑफ दिस एरा आर, नंबर वन इज एबकस, दैट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर्स अगो। हियर यू कैन सी द पिक्चर, इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग फ्रेम। एक फ्रेम बना हुआ है जिसमें काउंटिंग बीट्स लगे हुए, काउंटिंग कर रहे। इट इज स्टिल यूज टू टीच बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन टू द स्टूडेंट्स। इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप। अब नेक्स्ट मशीन इज नेपियर्स बोन्स।
developed by Scottish mathematician John Napier in 1612. It is also called Napier rods. इसमें देखिए आप, you can see the rods. It was a small machine that contained 10 rods. You can count the rods. As you can see, number 1, number 2 marked here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 0. So you can see 10 rods. The rods were made up of bones, wood, or metal. It was used for multiplication and division. Remember, Napier bones was used for multiplication and division. Next, slide rule. Here you can see the rules invented by English mathematician William Oughtred. Here you see a pair of two movable rules. दो rules हैं, उनको हम move कर सकते हैं. They had a standardized set of markings called scales. इसमें marking की भी है, उसको हम scales कहते हैं. These scales were used for mathematical computations. It was also used to multiply and divide numbers. Modern slide rules are still used in some countries. आजकल भी कुछ ममालिक में इस्तेमाल होते हैं. Next machine is Pascaline or Pascal's calculator. This is also called mechanical calculator. It was invented by a French mathematician Blaise Pascal. He developed this machine to help his father. ओके, इसने क्या किया, मशीन को डेवलप किया अपने फादर की हेल्प के लिए जो कि टैक्स कलेक्टर थे. पास्कलाइन कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जो प्रीवियस मशीन्स थी वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसमें 8 फिगर्स तक की काउंटिंग या कैलकुलेशन कर सकते थे. और इसमें व्हील्स नजर आ रहे हैं हमें पिक्चर में, जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में हेल्पफुल थे. उन व्हील्स को हमें एडजस्ट करना होता था. सेकेंड एंड नेक्स्ट मशीन लेबनिस कैलकुलेटर. इट वॉज डिवेलप बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड. इट वॉज कॉल्ड स्टेप्ड रेकनर. इट वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कुड परफॉर्म ऑल 4 एरिथमेटिक ऑपरेशंस. प्रीवियस मशीन्स में हमने देखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए थे और कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए थे, और ये पहली मशीन थी जो कि चारों ऑपरेशंस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म करती थी. नेक्स्ट इज बेबेज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. ये दोनों मशीन्स चार्ल्स बेबेज ने डिवेलप की थी, जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर थे. उनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज द फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन ही डिवेलप्ड इज डिफरेंस इंजन. इट वॉज एन ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर. ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था. इट वॉज ए लार्ज मशीन मेड ऑफ मेटल एंड वॉज पावर्ड बाय स्टीम. स्टीम से चलता था. डिफरेंस इंजन हैड स्टोरेज that could hold data temporarily for processing and to store results. ठीक है, स्टोरेज तो था लेकिन temporary था, permanent नहीं था. used to allow a user to enter calculations and get printed results. calculation तो होती ही थी और result भी print होता था. the difference engine worked on difference equations. ठीक है, differential equations पे ये काम करता था. Our next and last machine of this mechanical era is analytical engine. Who developed analytical engine was Charles Babbage. A machine in 1837. Okay. The proposed design included an ALU. ALU means arithmetic logical unit with basic programmatic flow control. It was programmed using punch cards. इसके अंदर punch cards इस्तेमाल होते थे
डेटा इनपुट के लिए एंड कंटेंट इंटीग्रेटेड मेमोरी. हिस्टोरियंस कंसिडर इट टू बी द फर्स्ट डिजाइन कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरल पर्पज कंप्यूटर बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन. क्योंकि इसको डिजाइन को कॉम्प्रिहेंस किया गया था आफ्टर रिफरेंस इंजन, तो इसको हम हिस्टोरियंस जो थे क्या इसको कंसिडर करते थे कि फर्स्ट डिजाइन था ये जनरल पर्पज कंप्यूटर का. और इसके बाद जो भी कंप्यूटर्स आए वो हमें मॉडर्न एज की तरफ या मॉडर्न एरा की तरफ लेके जाते हैं. अवर लास्ट एरा बिफोर मिडिल एज इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ 19th सेंचुरी. इन दिस एरा साइंटिस्ट बिकेम एबल टू डेवलप फास्टर एंड मोर एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन्स. They were powered by steam and electricity. Before this era, machines were used steam, but now steam and electricity. One of such machine was tabulating machine. ठीक है, इस era की एक machine है tabulating machine. That machine is Hermann Hollerith's tabulating machine. As the name shows, invented by American inventor Hermann Hollerith in 1890. Here you can see the picture. Hollerith tabulating machine was used for the US 1890 census. Hollerith tabulating machine became very famous and used in many offices of US government. Okay, now the third era, electronic era. This is called modern age. In this era, the advancement in the vacuum or electronic tube gave birth टू द इलेक्ट्रॉनिक एरा. इसमें हमारे पास वैक्यूम और इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब आया, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एरा कहते हैं. इस एरा के अंदर द ट्रू कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड व्हिच वर्क्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट. जो आज भी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हैं, इनपुट स्टोर प्रोसेस एंड आउटपुट. द इलेक्ट्रॉनिक एरा में भी कैटेगराइज्ड in generations on the basis of code technology used to build computers. Okay students, after this we will start generations of computer in the next lecture. You prepare this, read this, and if you have any query you can ask to me, and then do the post evaluation work and written assignments will be given to you. Thank you, Sri Lafis.